हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 19 फरवरी 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के यानी कि फ्राइडे के दिन स्टॉक में 1.50% का नेगेटिव मूव, 187 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है फरवरी 16th को। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है ज़रूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है ज़रूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए बिना समय गए सीधा हम जाते हैं हमारे सबसे पहले वन डे के चार्ट में, वहाँ पे देखते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने मिला। कैंडल यहाँ पे स्मॉल साइज की बॉडी बनी है, ऊपर के साइड में छोटी सी विक भी हमें ज़रूर देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI 69-70 के आसपास आ चुका है यानी कि ओवरबॉट के बॉर्डर लाइन पर जो यहाँ पे चल रहा है, जो हमें यहाँ पे ज़रूर एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, हर एक चीज़ है मैं आपको यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे जब जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों के लिए मैं आपको बता दूं स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। मेरा ओपिनियन आने वाले दिनों का जरूर यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउन साइड मूव हमें 182.6 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करता है ईजी मूव हमें 175.6 से आते देखने मिल सकती है। बाकी जिस तरह से हमने कहा स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव, उसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड जरूर ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए 1 आवर के चार्ट में बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने मिलने वाला है मंडे के दिन। तो ये रहा हमारा 1 आवर का चार्ट, इंपॉर्टेंट कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्ड है। ऊपर के साइड में हमारे पास कोई ज़्यादा डेटा नहीं है तो साइकोलॉजिकल नंबर जो यहाँ पे मैं खाली मार्क करके रख देता हूँ जो हमें इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मंडे के लिए। तो जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी अपने चार्ट पे जो मार्किंग कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर लें, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की हमें मैं बात करता हूँ 186.5 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 186.35 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 190.8 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो एड किया उसको आप ज़रूर देख लें, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 183 का, उसके बाद 179 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 196.3 का, उसके बाद क्या था 200 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं ज़रूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे इस मंडे का जो है ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन मंडे के लिए अगर मैं कहूँ तो ज़रूर एक पॉजिटिव मूव कर, लेकिन ज़्यादा बड़ा कोई मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। नो ट्रेडिंग जोन यानी कि 186.35 से लेकर 190.8 के रेंज में मेरी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन। नो ट्रेडिंग जोन में हमें क्लोजिंग देखने मिल सकता है, मोमेंटम हमें मंडे के दिन स्टॉक में कम देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।